देखो बेटा, ये भी फार्मूला बेस सवाल था, कार्नोट इंजन का था। सभी बच्चे जानते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 - T2 / T1। अब हमसे यह ना लिखवाओ कि T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक और T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। दिया क्या है? सोर्स का टेम्परेचर दिया है, और सबसे पहला काम आप क्या करते थे डिग्री सेंटीग्रेड में, 273 को जोड़ के आप क्या बना लेते थे, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते थे, 0, 0, 5 और 1, 6। इफिशियंसी 50%, एक लाइन बचा लिया परसेंटेज साइन हटाने के लिए, 100 से भाग करना था। T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक जो निकालना था, T1 सोर्स जो कि डिग्री में दिया था केल्विन में चेंज कर लिया, 1/2 हो गया, यानी T2/100 इधर ले आए, 1 - 2, एक में से आधा गया, आधा बचा, ये 300 हो गया। तो T2 300 केल्विन है, यहाँ सेंटीग्रेड में दिया है, तो आपने कहा कोई बात नहीं, जोड़ने के लिए केल्विन बनाने के लिए जोड़ते थे, डिग्री बनाने के लिए घटा लेंगे। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 7 गए 2, यानी सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री का होगा।